जय हिंद। आप सभी लोगों का स्वागत है नेशनल कोबरा कैरेट यूट्यूब चैनल से। फिर से मैं इनको लेके आ गया। आप लोगों का बहुत ज़्यादा कमेंट था, बहुत ज़्यादा क्वेरी हो रहा था कि हाफ लॉन्ग सेंटर के बारे में बताइए कि हाफ लॉन्ग सेंटर कैसे जाना है, कि वहाँ के सेंटर का नाम क्या है। रेलवे स्टेशन गुवाहाटी स्टेशन पर उतर गए। गुवाहाटी स्टेशन पर उतरने के बाद आपको कैसे जाना है, कहाँ पर न्यू हाफ लॉन्ग वाला जो हाफ लॉन्ग है आपका असम राइफल का यार, असम राइफल ट्रेनिंग सेंटर कैसे पहुंचेंगे, तो इनसे जानेंगे कि इनका 2021 में ये क्या है कि गए थे आपका किस ट्रेड में, किस ट्रेड में ये गए थे आपका न्यू हाफ लॉन्ग इनका सेंटर बना था हाफ लॉन्ग वाला। तो इनसे जानते हैं कि आप यहाँ से गए, आप गोरखपुर स्टेशन से बैठे जा कर के कहाँ पर उतरे, गुवाहाटी। गुवाहाटी उतरने के बाद आपको कितने बजे ट्रेन मिली, कैसे मिली, कौन सी, कैसे आपको पता चला, थोड़ा बताइए दर्शक को। 8 बजे हमको ट्रेन मिली। हाँ, उसके बाद 8 बजे हम लोग बैठे ट्रेन में। उसके बाद वह न्यू हाफ लॉन्ग ले आके 5 घंटे तक रास्ता है उस 5 घंटे तक, 5 घंटे उसके बाद उतारेगी। फिर हम लोग वहाँ पर ठहरे। उसके बाद भोजन करने के, जो भोजन करना भोजन किया, जो ठंडी का मौसम था तो सब अलग अलग बिछा के सो गए। फिर सुबह जैसा जिसका जैसा जैसा मतलब था तो उसी तरह मतलब टेम्पो लगे थे, वह 100 रुपया 110 रुपया भाड़ा लेते थे और 15 किलोमीटर पहाड़ी पर ले जाकर उतारते थे। आपको बस खाली बताना है आर्मी असम राइफल का जो है कि हमें असम राइफल कैंप पर छोड़ना है और हाँ, खुद ले आके छोड़ देंगे। हाँ, और हर सेंटर का, चाहे वो दीपू का हो, हर दिमापुर माइल हो, सुखोवी हो, लोखरा हो, जोहरट हो, शिलोंग हो, हर जगह का फेयर भाड़ा आपका इसी हाँ, तरीके का पूरा आसमान छूने वाला रहेगा। हाँ, 90 रुपया 15 किलोमीटर का हाँ, 90 रुपया बताओ ले रहे हैं। और हम रात का अगर टाइम है, रात के टाइम में अगर आप बोर्ड कर रहे हो तो उसमें आप मान लीजिए 200-300 रुपये से कम नहीं लेने वाले हैं। तो जब आपको ट्रेन कैसे मिली यहाँ से गुवाहाटी से? गुवाहाटी से ट्रेन मतलब एक आई, हम उसका नाम नहीं जानते हैं, लेकिन तो जब आई तो हम लोग पूछे टीटी वाले से, मतलब जो वहाँ पर टीटी वाले थे और जो अन्य व्यक्ति थे उनसे पूछे तो बताइए कि ये ट्रेन न्यू फ्लाइंग जाएगी। तो हम लोग बोले मतलब कब जाएगी, बोले कि अभी आधा एक घंटा के अंदर जाएगी। तो हम लोग पूरा मतलब वह ट्रेन पूरा खाली रहती थी, जैसे मतलब पूरा बोगी पूरा खाली रही। उसके बाद हम लोग उसी ट्रेन में बैठे तो वह करीब 5 से 5 घंटा तक, 5 से 6 घंटे मतलब वो हमको न्यू हाफ लॉन्ग उतार देगी। अच्छा, रहने और खाने का क्या व्यवस्था था वहाँ? रहने वो मतलब जगह जगह रेलवे स्टेशन के बगल में लगे रहते थे, वहाँ पर अंडा देते थे और चाय नाश्ता सब देते थे। उसके बाद जो जैसा जैसा खाना है उसे पैसा लेते थे, 60 रुपया 70 रुपया प्लेट ऐसे बस चावल दाल यही सब मिलता था। और कितना रुपया आपका खर्च हुआ? मतलब हमारा रुपया तो मैक्सिमम बताएं तो हमारा 1600-1700 रुपया ख़त्म हुआ। तो यह जो फैक्टर है आपका, कितना रुपया खर्च हुआ कितना रुपया नहीं खर्च हुआ, यह पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। किसी का ज़्यादा लग सकता है, किसी का कम लग सकता है, आपके ऊपर है, आप कितना किफायती से जा रहे हैं। इनका 1500-1600 क्यों लगा कि बिना टिकट का गए, कहीं पर भी ऐसा भाड़ा नहीं दिए, सिर्फ वहाँ की जो लोकल ट्रांसपोर्ट को छोड़ के, तो इसलिए इनका इतना कम। और खाने पीने के लिए घर से लेकर के गए थे, यानी कि वहाँ एक तरीके से फॉर्मेलिटी जीने की जो एकदम जरूरी चीजें थी सिर्फ उसी का इतना खर्चा लगा है। नहीं तो आपके अब दूरी के हिसाब से भी निर्भर करेगा। अब जो महाराष्ट्र से आ रहा है, तमिलनाडु से आ रहा है, केरला से आ रहा है, कर्नाटक से आ रहा है, गोवा से आ रहा है, हैदराबाद से आ रहा है, जम्मू से आ रहा है, हिमाचल से आ रहा है, पंजाब से आ रहा है, हरियाणा से आ रहा है, तो इन लोगों का क्या, और दूरी बढ़ते रहेगा, खर्चा आपका बढ़ते रहेगा। तो आज की इस छोटे से वीडियो में मैं आपको आप लोगों का डिमांड था बताने के लिए बता दिया। अब जल्दी ही मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर जय हिंद।